हेलो दोस्तों, तो ये है मोठ। इसको मराठी में मटकी बोलते हैं। तो मुझे हिंदी इसका नहीं पता क्या बोलते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इसे मोठ बोलते हैं और मटकी बोलते हैं। तो इसे एक दिन पहले भिगोकर अंकुरित कर लिया गया है। इसकी वीडियो मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, इसको अंकुरित कैसे करते हैं। जैसे इसको मटकी को, चने की दाल को और मूँग की दाल को जल्दी से जल्दी हम कैसे इसमें अंकुरित करते हैं इसको, तो इसकी मैं वीडियो जरूर आप लोगों को बताऊँगी। तो ये घर पर ही अंकुरित किया गया है। तो चलिए हम इसकी सब्जी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी लगती है। तो सबसे मैंने प्याज कटिंग कर लिया है। तो इसकी दो प्रकार की सब्जी बनती है, एक मूंगफली की और एक मसाले वाली। तो यहाँ पे मसाले वाली सब्जी मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज को तवे पर लाल होने तक भून लेंगे। इसको भूनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट का टाइम लगता है। बस अच्छे से आपको भून लेना लाल होने तक। और लंबी पीसेस में यहाँ पे मैंने कट करा, आप चाहो तो छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। और हाँ, आप चाहो ना तो प्याज को खड़े ही प्याज को छील कर बस उसको भून सकते हो गैस पर। उस तरीके से भी आप पीस कर इसकी सब्जी बना सकते हो, लेकिन ये वाली टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से तवे पर ही आप कढ़ाई में भून कर बनाते हो ना, उसको पीस कर इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। बस इसको लाल होने तक हम भून लेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे भूनने के बाद मैं थोड़ी देर तक उसको ठंडा होने दिया। उसके बाद यहाँ पे लहसुन और जीरा डालकर और ये प्याज डालकर पीस कर निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा टमाटर यहाँ पे पीस के निकाल के रख दूंगी, क्योंकि इकट्ठा मिक्सर का काम खत्म हो जाएगा एक साथ ही। बार बार हमें मिक्सर की गरज नहीं, यानी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये पीसना है वो पीसना है। तो इकट्ठा मैं पीस कर सारी चीज़ें निकाल लूँगी, उसके बाद डायरेक्ट मैं अपना काम करूँगी सब्जी बनाने का। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में टमाटर कट कर रही हूँ, आप चाहो तो 2-3 पीसेस में डाल सकते हो। बस इसको भी बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरबरा रहना चाहिए, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रहने चाहिए, इसमें टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है। बस यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने बहुत अच्छे से तेल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेजपात डाला है, आप खड़े मसाले डाल देना। उसके बाद राई यानी सरसों डाला है मैंने, उसको थोड़ा सा तड़कने देना है तेल में। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाला है, इससे टेस्ट बहुत और अच्छा आता है और सुगंध आती है सब्जी में। उसके बाद फिर यहाँ पे खड़े मसाले हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग छोटे छोटे टुकड़ों मैंने डाल दिया है उसको। फिर यहाँ पे लहसुन डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, 3-4 कली का। उसके बाद फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे मसाला, जब मैंने प्याज पीसा था ना उसमें भी लहसुन डाला था, इसलिए यहाँ पे लहसुन कम डाला है मैंने। उसके बाद जब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना, तो इसमें जहाँ हमें कटोरी लेंगे उसमें पानी लेंगे। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमें तीखा चाहिए उस हिसाब से हमें लाल मिर्च डालनी है। उसके बाद धनिया पाउडर डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और यहाँ पे आपके पास जो भी गर्म मसाला हो वो भी इसमें डाल देना है। और इसको हम डाल देंगे तेल में। जब हम तेल में डालेंगे ना, तो हमारी आँच हमेशा धीमी होनी चाहिए, गैस का फ्लेम जो है लो होना चाहिए, जिससे क्या होता है मसाला जलता नहीं है और बहुत अच्छे से पक जाता है। बस इसको हमें धीमी आँच और मीडियम आँच पे करके पकाते रहना है, और जब तक मसाला में से तेल निकलने लग जाए ना, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। और बहुत अच्छे से जब पक जाएगा फ्रेंड, तो जो आपका मिक्सर में बर्तन में लगा रहता है ना, वो सब धुल धुल कर आपको इसमें डालते जाना, क्योंकि वे वेस्ट हो जाएगा, फालतू में फेंका जाएगा। उससे अच्छा है कि आपकी सब्जी में पड़ जाएगा तो टेस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद जब इसमें तेल छोड़ने लग जाएगा ना, आप देख सकते हो कितना अच्छा तेल छोड़ा था, तो उसके बाद हम प्याज डाल देंगे और प्याज अच्छे से इसमें पका लेना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या करा था, मटकी को उबाल लिया था पहले ही पानी में। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, मटकी बहुत अच्छे से उबल चुकी है, तो आप देख सकते हो मटकी को मैंने पहले ही उबाल दिया था कुकर में, तो आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बीच में ही कि मैंने मटकी को पहले उबाल लिया, कढ़ाई रखने से पहले ही उबाल के रख दिया, तो वो ठंडी हो गई है। तो बस मटकी अच्छे से उबल चुकी है, यहाँ पे हमारा मसाला भी भुन चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे जो टमाटर का पेस्ट है ना, उसको हम डाल देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा दरबरा है टमाटर का पेस्ट, क्योंकि इसमें इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, और बहुत बारीक करते हैं ना तो फिर इसका जो है अच्छा कलर नहीं आता सब्जी में बहुत बारीक करने पर, इसलिए थोड़ा सा दरबरा रहना चाहिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप अगर सोच रहे हो कि प्याज और टमाटर एक साथ पीस लेंगे तो उससे कलर अच्छा नहीं आएगा सब्जी में, अगर एक साथ आप पीसते हो प्याज और टमाटर, इसलिए मैंने अलग अलग पीस कर लिया, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता सब्जी में। बस आपको ये मीडियम और लो फ्लेम पर करके आपको मसाले को अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा तेल दिख रहा है आपकी सब्जी के ऊपर। तो बस मसाले के ऊपर जैसे जैसे आपको तेल दिखता जाएगा, समझ लो आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनती चली जाएगी। बस इस तरीके से हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है 15 मिनट तक, और जो भी मिक्सर में आपके बर्तन में लगा हुआ है वो आपको धुलकर इसमें डाल देना है सब्जी में। तो इस तरीके से आपको जितना रस चाहिए, जितना सब्जी में पानी चाहिए, उस हिसाब से आपको इसमें जितना जूस लगाना है उस हिसाब से आपको पानी डाल देना है। और इसको थोड़ा सा ये थिक रहता है ना फ्रेंड, तभी अच्छा लगता है, बहुत पानी पानी रहता है जूस इसका, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा इसका थिक रखना। बस इसमें जो भी मटकी हमारी है वो हम डाल देंगे, तो उबली हुई मटकी, और इसको फिर कम से कम 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड।
क्योंकि मटकियाँ पहले से उबली रहती है, तो मटकी उबालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको थोड़ा सा पानी में, मतलब उसके पानी में जिसमें हम उबालेंगे ना, नमक डाल देना। इससे क्या होता है, मटकी हमारी ना थोड़ा सा अच्छे स्वाद आता है सब्जी में भी और उसमें भी। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने मटकी में थोड़ा सा नमक डाला था, तो इस वक्त नमक का ध्यान देना है कि कम डालना है, नहीं तो आपकी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। बस थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें लास्ट में हम हरी धनिया डाल देंगे। जब आपको बंद करना होगा इस तब, तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब बनने की कगार पर है, अभी उबल रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको हरी धनिया, बस इसको हम डाल देंगे और हमारी सब्जी अब हो गई है रेडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको वीडियो पसंद आए ना, प्लीज़ एक लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और एक सपोर्ट मिल जाता है फ्रेंड ना, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है और चीज़ें बनाने का मन करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड, कमेंट करने से हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।